बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्मीना के दस्तरखान में आप सबको खुश आमदीद। बहनों और भाइयों, आज मैं बना रही हूँ स्टीम्ड वेजिटेबल्स। तो इसके लिए ये मेरे पास गोभी है आधा किलो, और ये सिर्फ फूल है, और ये मटर है आधा किलो थे तो ये इसके मैंने दाने निकाल लिया है। चार आलू हैं और दो गाजर हैं, ये दो मैं हरी मिर्च लूँगी, और ये मैं लूँगी आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधी चम्मच नमक, और एक चिकन क्यूब। ये कनोर की चिकन क्यूब है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहनों भाइयों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें, इस तरह मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेगा। तो बहन भाइयों, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं सब्जियां काट लूँ। ऑयल डाल लिया मैंने, ऑयल मैंने सिर्फ दो चम्मच डाला है, और इसके साथ चिकन क्यूब, नमक और काली मिर्च डाल दी है मैंने। चिकन क्यूब थोड़ी सी हलवा थोड़ी सी हो जाए, ये थोड़ी मेल्ट हो जाए, तो फिर मैं इसमें डालूंगी वेजिटेबल। चिकन क्यूब जो है वो मेल्ट हो गई है, तो मैं आपको इसमें डाल देती हूँ गोभी। सारी सब्जियां मैंने काट के धो ली हैं। आलू के मैंने क्यूब काट लिए, और ये हरी मिर्चें और मटर और गाजर क्यूब में काटे हैं सारे मैंने। मैं इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाल रही, क्योंकि सब्जियां जो हैं धो के मैंने रखी थी, तो ये अपना पानी छोड़ेगी। तो मैं कुकर को बंद कर देती हूँ। अच्छी तरह मैं मिक्स कर लेती हूँ। आप चाहें तो शिमला मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब उतारेंगे उस वक्त, और बंद गोभी भी जब उतारें उस वक्त ऐड करें, पहले ना डालें इसमें, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता फिर। तो कुकर में बंद कर देती हूँ, जब तक हमारी सीटी नहीं बोलती। सीटी बोलेगी साथ ही मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। सीटी बोलने लगी है, अभी स्टार्ट हुई है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, तो अभी मैं इसको खोल लेती हूँ। इसकी बाप निकालूंगी पहले, फिर खोलती हूँ। बाप निकल गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुकर खोल लेती हूँ, चेक करती हूँ। माशाल्लाह, क्या खुशबूदार हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो बनी है। देख लेती हूँ मैं, ये देखिए कितने ज़बरदस्त गल के, और ये देखिए बहुत ज़बरदस्त। तो मैं इनको निकाल लेती हूँ प्लेट में। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, ये मेरे पास तकरीबन 1.5 चम्मच विनेगर है, सफ़ेद सिरका, इसको मैंने ऐड कर दिया है। तो नमक थोड़ा सा कम था, मैंने तकरीबन आधी चम्मच नमक और ऐड किया है। मैं इसको डिश आउट करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बहुत मज़ेदार जो वेजिटेबल्स हैं वो तैयार हैं। तो बहुत इजी रेसिपी है, बिल्कुल आसान, आप ज़रूर बनाइएगा, और इस मौसम में बनाएं, क्योंकि गर्मियों में तो ये सब सब्जियां मिलती हैं, लेकिन जो मौसम की सब्जी होती है उसकी तो बात ही कुछ और होती है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ अगली रेसिपी तक के लिए। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे, सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे। आमीन सुमामीन। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।